क्या समय के न्याय की लड़ाई में अनुपमा खो देगी अनुज को? वेल, क्योंकि जिस तरह से इस सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है और प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि बार बार अनुज पे हमला हो रहा है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रमेश करवा रहा है, वैसे में तो देख के फैंस यही उम्मीद लगा रहे हैं कि अब अनुपमा बेटे के न्याय के चक्कर में पति को खो देने वाली है। तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से अनुज पे हमला होता है और उसकी वजह से सभी घर वाले बेहद परेशान हो जाते हैं, वहीं मालती देवी बार बार अनुज को अगले दिन कोर्ट में जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनुज है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुज को ये पता है कि अगर वो इस लड़ाई में एक कदम पीछे हटता है तो अनुपमा उससे 10 कदम दूर चली जाएगी, जिसके वजह से वो अनुपमा का हर हाल में साथ देने की कोशिश कर रहा है और वो देने के लिए वादा भी कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी ने देखा था कि कैसे वनराज तोसु पे गुस्सा करता है और वो बार बार उसे ये एहसास दिलाता है कि तुम अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हो और तुम एक नंबर के डरपोक हो और तुम्हारी वजह से हम ये केस वीक हमारा हो रहा है, जिसके वजह से तोसु भी वनराज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस केस को वापस ले ले, लेकिन वनराज भी ठान के बैठा है कि वो किसी भी हाल में इस केस को वापस नहीं लेगा। वहीं सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है और प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अगले दिन अनुपमा और अनुज दोनों कोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं, तभी अनुपमा मालती देवी से एक वादा करती है और कहती है कि मैं वापस आऊं या ना आऊं लेकिन आपके बेटे को वापस मैं जरूर यहां लाऊंगी। वहीं जैसे ही अनुपमा और अनुज जा रहे होते हैं कोर्ट के लिए, तभी बरखा भी मना करती है कि एक बार फिर सोच लो, लेकिन अनुपमा और अनुज ये वादा कर चुके हैं खुद से कि वो अपना कदम वापस नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे कोर्ट में जाने के बाद वो लोग केस हार जाता है और अनुज अनुपमा को आके सॉरी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे केस हार जाने के बाद से अनुपमा शाह हाउस वापस जाती है और वहाँ पे ये न्यूज़ सुनाती है, जिसके वजह से सभी लोग बेहद परेशान हो जाते हैं और तभी डिम्पी आके अनुपमा से कहती है कि अब हम ये केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये केस की वजह से परिवार बिखर रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा परिवार बिखरे। तभी अनुपमा समझ नहीं पाती है और फिर डिम्पी उसे साफ साफ बताती है कि इस केस की वजह से तोसु और किंजल भाभी दोनों विदेश जा रहे हैं घर छोड़ के, और ये बात सुन के अनुपमा बेहद हैरान हो जाती है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तोसु और किंजल को विदेश जाने से क्या अनुपमा रोक लेगी और फिर क्या सभी लोग साथ मिलके इस केस को लड़ेंगे या फिर इस केस को वापस लेने वाले हैं। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।